समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, आप बताइए, आपके लिए तो अच्छी बात को कह रहे हैं। कि समाजवादी पार्टी ने सदैव रायबरेली और अमेठी सीट कांग्रेस पार्टी के लिए सदैव छोड़ी, चाहे मेरा अलायंस रहा हो या ना रहा हो, लेकिन आज की तारीख में तो हमारा इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी का हमारा अलायंस है। जाहिर सी बात है कि बूथ से लेकर के, सभाओं से लेकर के, स्ट्रेटजी से लेकर के, सब में समाजवादी पार्टी के एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता वहां पर मजबूती के साथ लगा था। और अभी आप पूछे दी कि सरकार बनाने में अगर जरूरत पड़ेगी, देखिए समाजवादी पार्टी और खास इंडिया ब्लॉक जो है तोड़फोड़ में विश्वास नहीं करती है, लेकिन अगर किसी दल का हृदय परिवर्तन हो रहा है और अगर वो आना चाहता है इंडिया गठबंधन को, इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने के लिए, तो उसका इधर देखिए बड़ी खबर, टीडीपी प्रमुख से बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से पीएम मोदी ने बात की है। थोड़ी देर पहले इंडिया गठबंधन की ओर से ये संकेत दिए जा रहे थे कि हम जेडीयू और टीडीपी से बात करेंगे। जो रुझान और जिस तरह की तस्वीर बनती दिख रही है, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने संकेत देने की कोशिश की थी कि हम बात करेंगे एनडीए के घटक दलों से और अगर उनमें से कुछ आते हैं हमारे साथ तो हम मिलकर सरकार बनाएंगे। इस तरह के संकेत इंडिया गठबंधन ने देने की कोशिश की थी, लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने बात की है चंद्रबाबू नायडू से, टीडीपी प्रमुख से बात की है प्रधानमंत्री ने। यही मेनका एक चीज हम देख रहे थे, अभी किसी से बातचीत कर रहे थे किसी नेता के साथ हमारे सहयोगी, तो उन्होंने कहा कि हम अभी तक आपको क्यों बताएं, हम किन किन घटक दलों के साथ बात करने वाले हैं, हम किन क्यों बताएं आपको, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी को पहले ही बीजेपी चुरा लेगी। और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टीडीपी से बातचीत की है उसके बाद कुछ इसी तरह का नजर आ रहा है। जी हाँ, तो पहले ही संकेत प्रधानमंत्री ने दे दिए थे और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू से पीएम मोदी ने फोन पर बात कर ली है, तो अब इसका असर देखिए लगाया जा सकता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका असर क्या होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से बात की है। आनंद जी, बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। नहीं देखिए, चंद्रबाबू नायडू हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं, हम उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं आंध्र प्रदेश में, हम उनके साथ हैं। और आंध्र प्रदेश में जिस तरह से टीडीपी ने जबरदस्त सफलता विधानसभा चुनाव में हासिल की है, निश्चित रूप से धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। अगर उनसे बात की है तो एक बहुत ही शिष्टाचार, ये तो एक कटसी है, बातचीत करना ही चाहिए और निश्चित रूप से उनको उन्होंने बधाई दी होगी कि भाई जिस तरह से विधानसभा चुनाव में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से एनडीए ने वहां बेहतर प्रदर्शन किया, इन सारी चीजों को लेकर निश्चित रूप से बातचीत हुई होगी। और साथ ही ये भी बताएं कि उधर इंडिया गठबंधन की ओर से भी संकेत दिए गए। ओपी राजभर को बड़ा झटका, अरविंद राजभर भी पीछे चल रहे हैं। ओपी राजभर, शीनम, जो बार बार कह रहे थे कि राजभर वोटों पर तो हमारा ही है, हम पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़े तो हमारे साथ हैं, लेकिन ओपी राजभर के बेटे हैं अरविंद राजभर और वो पीछे चल रहे हैं, एसपी के राजीव आगे चल रहे हैं घोसी में। इस पर भी आनंद जी बोलिए। आनंद जी आ रहे हैं वो हमारे अनुमान के, हमारे उम्मीदों के विपरीत। एक बार टैली जो है वो स्थिर हो जाए और चीजें समझ में आए कि कौन सी सीट कहां जा रही है, कितने हम पीछे हैं, कहां से हम आगे हैं, तो उस पर ज्यादा आसानी से टिप्पणी की जा सकती है। लेकिन फिलहाल मैं इतना कहूंगा कि जो रुझान है, ज्यादातर जगह जो रुझान हमारे आशा के अनुरूप नहीं है, क्यों नहीं है इस पर हम विचार करेंगे। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं कि एनडीए को बहुमत इस देश की जनता ने दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में विश्वास इस देश की जनता ने जताया है और निश्चित रूप से हम तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और अपने सहयोगियों के साथ सफलतापूर्वक सरकार चलाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। इंडिया गठबंधन ने आपको एक अच्छी फाइट दी है, मजबूत लोकतंत्र की तो ये निशानी होती है ना, जहाँ पे सरकार मजबूत हो तो विपक्ष भी मजबूत, तो इसके लिए उन्हें बधाई तो दीजिए यूपी में। नहीं, निश्चित रूप से, मैंने तो पहले ही आपके साथ में जब बैठा तो मैंने दीपक रंजन जी को बधाई दी कि भाई आपने अच्छी लड़ाई लड़ी, आप अच्छा कर रहे हैं, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए। अगर आपने शायद ये काम पहले किया होता तो ये इतनी दुर्गति आपको 2014, 2019, 2022 में नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन ठीक है, यदि आप जनता ने आप पर कहीं कुछ सीटों पर, कुछ इलाकों में अगर आप पे भरोसा जताया है, ठीक है, भरोसे पर कायम रहिए। और तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी के प्रवक्ता तो जुड़े ही हुए हैं, लेकिन हमारे साथ सौरभ दुबे जी भी जुड़ गए हैं। हमारे गेस्ट का स्वागत,
सौरभ दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले रिएक्शन ही ले लेते हैं आपका, उसके बाद आगे की चर्चा भी शुरू करेंगे और उसके बाद आगे की खबरें भी बताएंगे। लेकिन अभी जो टैली आप देख पा रहे हैं, एक नजर डालिए और अपना रिएक्शन दीजिए, क्या लगा था इतना बड़ा उलटफेर हो जाएगा? देखिए, बात तो यही थी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सरकार बनाने जा रहे हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो वो तो बात को रखा गया था कि 400 का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा इसीलिए था क्योंकि उनको पता था कि इस बार जो चुनाव होने वाले हैं वो जमीनी स्तर पर वहाँ पर थोड़ी बहुत जो है वो टकराव की स्थिति रहेगी। और कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ कि अभी ये शाम तक जब तक ये जाएगा जो है, तो ये मार्जिन जो अभी कहीं पे 800 का चल रहा है, कहीं 900 का चल रहा है, कहीं 1000 का चल रहा है, तो ये स्थिति क्लियर होगी 4 बजे के आसपास क्लियर होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि देश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री जो है वो बनने जा रहे हैं। ठीक, और इसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी अपनी तरफ से एक तरह से इनिशिएट कर दिया है। मैं आपका एक रिएक्शन चाहूंगी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी टीडीपी प्रमुख से फोन पर बात की है। इससे पहले इंडिया गठबंधन की ओर से संकेत दिए जा रहे थे कि हम टीडीपी से और जेडीयू से बात करेंगे कि वो हमारे साथ आ जाए, ये संकेत थे। प्रधानमंत्री ने इनिशिएट किया, तुरंत ही चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात कर ली है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री ने भी मान लिया है कि इस बार वो 400 पार वाला मैजिक तो नहीं है? नहीं, देखिए, चंद्रबाबू नायडू जी के साथ ये पहली बार बात थोड़ी नहीं हो रही है, जो अब लगातार पिछले चुनाव से पहले एक महीना कोई डर है क्या कि कहीं नहीं, वो नहीं, चले कोई डर ना नहीं है आप, कहीं वो चले ना जाए दूसरे पाले? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि चुनाव जो विधानसभा का है वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन में जीता है ना, वहां पर भी तो सरकार बन रही है इनकी। ये बात तो रहने दीजिए, हमने कई गठबंधन को बनते बिगड़ते टूटते देखा है कि हम चुनाव लड़ते किसी और के साथ है पॉलिटिकल दल और जीतने के बाद सत्ता किसी और के साथ बनाते हैं। महाराष्ट्र में देखा हमने, बिहार में कई बार बदलते देखा पाला। तो क्या कोई डर है टीडीपी और जेडीयू को लेकर? देखिए, इस प्रकार का कोई डर नहीं है, चूंकि आप और उत्तर प्रदेश की एक बार सीटों का बता देते हैं अपने दर्शकों को, जहां पर समाजवादी पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन दिख रहा है यूपी, जबकि यूपी में बीजेपी जबकि 32 सीटों पर, जबकि समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर आगे चल रही है। तो बेहतरीन प्रदर्शन ये अखिलेश यादव का माना जा रहा है। क्या क्या वो फैक्टर्स लगते हैं आपको सौरभ जी, जिसके चलते समाजवादी पार्टी इतना बेहतर प्रदर्शन कर पाई, इतना बड़ा मार्जिन अभी चल रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी पे मैं आ रहा हूँ, इनका नायडू जी चंद्रबाबू जी वाला जवाब दे दूं मैं उसमें, कि निश्चित रूप से देखिए जो सरकार बनने जा रही है उसमें जो गठबंधन के साथी हैं वो इस बार महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे, ईमानदारी से इसको सबको स्वीकार करना चाहिए। और जिस प्रकार से, चूंकि ये नियम के तहत जिसकी सबसे ज्यादा सीटें हैं सरकार बनाने के लिए तो बुलावा उसी को जाएगा ना, तो भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार बन रही है, कोई विपक्ष की सरकार तो बन नहीं रही है। और जिस प्रकार से चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और ये विधानसभा में अगर चुनाव में जीत हुई है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में उसका लाभ मिला है उनको, तो मुझे लगता है ठीक है एक महत्वपूर्ण भूमिका में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जरूर रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो नेतृत्व जो है प्रधानमंत्री का आप कह रहे हैं कि उनको डरने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत है वो सरकार बनाने को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब यूपी पर आते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी ने 62 सीटों पर चुनाव लड़ा है और 37 पर वो आगे है समाजवादी पार्टी, वहीं बीजेपी 75 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और वो 32 पर आगे दिख रही है, तो इसे लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो नतीजे आ रहे हैं ये कुछ ना कुछ इसमें जो है परिवर्तन हुआ है मैं मानता हूँ। कुछ जगहों पर देखिए व्यक्तिगत रूप से जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं, क्योंकि मुझे कहने में इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है कि कुछ लोगों का व्यक्तिगत अहंकार जो है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ गया पार्टी के ऊपर, तरफ इशारा है नहीं, जिसका भी है मैं तो बिल्कुल खुल करके कहता हूं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, तो व्यक्तिगत जो है उनका अहंकार है उसको वो कहीं ना कहीं जो है वो पार्टी के ऊपर भारी पड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है कोई कमी नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कोई कमी नहीं है।